आगे का सभी कैंडिडेट यस सुन लो ध्यान से, बाद में मेरी बातों में कोई कमी रहे तो पूछना, पर एक बार कान खोल के सुन लेना। आप दो सेट लाए होंगे सभी, उसमें एक सेट के ऊपर 100 रुपए का पोस्ट लाडर है। दो गजिटेट ऑफिसर के आप ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र लेके आए होंगे, वो आज की तारीख से पीछे के 6 महीने तक वैलिड है। अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र भी लाए होंगे, उसकी फोटोकॉपी चाहिए। दूसरे सेट के ऊपर गजिटेट ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगेंगी, ये बहुत लोग नहीं लेके आ रहे हैं। दोनों पर अंतिम शिक्षण संस्था की फोटोकॉपी चरित्र प्रमाण पत्र की चाहिएगी। सभी डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हैं, जो आपने परीक्षा के समय फार्म भरते समय लगाए हैं, उन सबकी फोटोकॉपी दोनों सेटों के साथ लगेंगी। क्लियर बात? 1 जनवरी 2019 को आपकी आयु निर्धारण होगी, मिनिमम 18 मैक्सिमम 43 जनरल के लिए, जिसको जो छूट है वो आगे, ठीक है। योग्यता 6 सितंबर 2019 को हो जानी चाहिए हर डॉक्यूमेंट में। ये मोटी मोटी बातें हैं, सारे डॉक्यूमेंट दोनों सेटों के साथ लगेंगे, इसलिए जिसके कमी है वो करवा के लियो। चरित्र प्रमाण पत्र की दोबारा बता देता हूँ, एक सेट के साथ ओरिजिनल दोनों। पार्षद सरपंच पंच नहीं चलेगा, कई पार्षद का सरपंचों का ला रहे हैं, ही इज नॉट ए गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी का ही चाहिए। और दूसरे सेट के साथ उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे, डेट उसमें इस पे बिल्कुल साफ सुथरी मेंशन होनी चाहिए, और अंतिम शिक्षण संस्था का ओरिजिनल मिलाएंगे दोनों के साथ, दोनों फोटोकॉपी। क्लियर बात? किसी को पूछना तो बोलो। पोस्टल ऑर्डर एक के साथ सेट ओरिजिनल और दूसरे के साथ नहीं लगाना, ना फोटोकॉपी नहीं लगानी। आई की जरूरत नहीं है, वो चल जाएगा, उसका नहीं है कुछ ऐसा, उसका नहीं है। और जिसका ओबीसी में जाति प्रमाण पत्र है तो उसका एक निर्धारित फार्म है, अगर एक साल आपका पूरा हो गया है तो निर्धारित फार्म परफॉर्म आपको नेट पे अवेलेबल होगा, चैन बोर्ड वो लाए होंगे, आप उसमें लिख के देना है। वो 2 साल तक मान्य है कि मैं इस दौरान ये बीत गया समय, इसमें मैं क्रीमी लेयर में नहीं आया हूँ। ये ओबीसी और जो स्पेशल वो गुजर राही करेबारी को मिला है, एसबीसी जो बोलते हैं उसी में। हाँ 100 का होना चाहिए, 50-50 100 हो गए ना, एक फार्म के साथ लगाना, उसकी फोटो कॉपी नहीं लगाना। आधार कार्ड में लगाना है, आधार कार्ड नहीं की, अगर आधार कार्ड में फोटो कॉपी है तो उसका डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल पे मिलाने पड़ेंगे। हां ओबीसी दाए साल पहले गया है, हां सबकता लगाया है, हां नोटरी से नोटरी अटेस्ट, इसमें मैं इसमें क्रिमिनल लेयर में नहीं आया हूं, ये सब लिख के हो गया। आईडी आधार हो तो ज्यादा ठीक है, और क्या है, आधार सफिशिएंट है, वोटर आईडी लाइसेंस चलेंगे, ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटो कॉपी साथ में अटैच करो, मूल निवास प्रमाण पत्र जरूर चाहिएगा। कितना पुराना चाहिए सर? सर वो फोटो वाला है, मतलब लिया कितना, 10 साल, मूल निवास तो 10 साल का है। गजेटेड सर फोटो कॉपी में 4 बना के लाए, दो दो लगा दो कोई दिक्कत नहीं, फोटो एक एक करके, एक एक करके लेटेस्ट, अगर 1 साल से ज्यादा। भाई 1 मिनट, एक एक बोलो, हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं, भीड़ तंत्र नहीं, लेटेस्ट है ओबीसी का सर्टिफिकेट, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इनके सुन लो और मत बोलो, आप बोलो। चलेंगे नहीं चलेगा, मत लगाओ फोटो को भी, 4 अलग अलग लगा दो, और बोलो सर। हाँ बनवा लाए ना, बट ठीक है सर, सर जी दस अंतिम शिक्षण रेगुलर वाला तो करेक्ट, एक मिनट भैया रेगुलर वाला करेक्ट सर्टिफिकेट है, वो एक ही कॉपी चाहिए, एक कॉपी नहीं, दोनों के साथ फोटो कॉपी, दोनों सेटों के साथ फोटो कॉपी अंतिम से, मैंने यही कहा, एक बार सुन लो आप, ओरिजिनल मिलवाएंगे, फोटो कॉपी दोनों के साथ लगेगी, मैं बोल चुका हूँ दो बारी बार। किसका किसका ओबीसी का 1 साल आज तक हो रहा है क्या उसका, बीत गया या है अभी टाइम, बीत गया 1 साल हो गया, बीत गया तो वो देना पड़ेगा आपको शपथ पत्र। अरे भाई अगर नहीं भरी तो छोड़ो उसको, क्यों डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, अब जो रोल, अब प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, मैन दे चुका हूँ, जिनको बुला रहे हैं वो आ जाओ, जरूरत नहीं होनी।